लेकिन भाभी चाय एकदम चकास बनी है। शुक्रिया। ये लंगूर ये टाइम पे चाय पी रहा है। भरू पैग। मैं यहाँ पीने नहीं आया हूँ, कुछ बोलने आया हूँ। तो बोलना, चल बाहर चल। बोल क्या बकने गए? क्यों मारा उस मुस्लिम बुड्ढे को? हाँ हाँ, अपुन क्यों मारता है किसी को? हाँ, पैसे के वास्ते। एक खोका मिला, एक खोका कितना? हाँ एक खोका। अपुन के मिनिस्टर्स के साथ लड़ रहा था, उसने बोला लुटका डाला। क्यों रे साले, तेरा कुछ लगता है क्या वो? अरे उसकी मौत के बाद जो दंगे हुए उसमें 30 मुसलमान और 21 हिंदू मारे गए। इसे तेरे उस भड़वे ने धार्मिक रंग दिया है। अरे तूने एक को नहीं 52 लोगों को मारा है, तेरे को तो 52 करोड़ मिलने चाहिए। ये भाव तेरा ये गणित है ना, अपने दिमाग में नहीं बैठता है। देख उसने अपुन को बोला, अपुन ने ठोक डाला साले को। ये दुनिया भर का टेंशन अपुन क्यों पाले? हाँ अरे एक टाइम था रघु तू बोलने का, वो कहता है इसके लिए नहीं, अपने को जो समझ में आता वही करने का। ओ भाऊ, अगर दिमाग होता तो तेरे जैसा इंस्पेक्टर नहीं बनता क्या रघु? छोड़ना डेढ़ बुढ़िया। अरे क्या बोलते उसको? सफेद कॉलर। अबे सफेद नहीं रे, व्हाइट कॉलर। व्हाइट व्हाइट कॉलर। हाँ व्हाइट कॉलर। ये व्हाइट कॉलर लोगों की मचमच सुनेगा ना तो खाने पीने के वांदे हो जाएंगे साला। अरे जीने के तो वांदे नहीं होंगे ना। देख रघु सुधर जा, सुधर जा, अब भी वक्त है, वरना बर्बाद हो जाएगा उसकी नाद में। ये जो तुम काम कर रहे हो ना उस मिनिस्टर के लिए, अरे दुनिया की नजरों में वो काम वो मिनिस्टर नहीं कर रहा है, वो तुम कर रहे हो तुम। और जिस दिन कुछ प्रॉब्लम हो गया ना तो उसका क्या है, वो तो अपने हाथ ऊपर कर लेगा और लटक जाओगे तुम। अरे तुम्हारे तो लग जाएंगे ना रास्ते। अरे हटा, मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई पे। अरे अपने जिगर पे बनाऊ मैं, किसी मिनिस्टर ने नहीं बनाया मेरे को। अरे तेरे पुलिस स्टेशन जाता हूँ ना तो सलाम ठोकते तेरे सामने खड़े होके। ए समझाना इसको, समझाना। अरे गलत फहमी है तेरे को, गलत फहमी। वो तेरे को सलाम नहीं ठोकते, तेरे सिर पे जिसका हाथ है ना उसको सलाम ठोकते ए, जा रहे। और जिस दिन वो हाथ तेरे सिर से निकल गया ना उस दिन तू मेरे को आके ये बात बोलना, समझा? ए भाऊ बहुत सुना है तेरी मचमच, अभी ज्यादा खोपड़ी मत सटका नहीं तो साला इधर ही खाली कर देगा। ए, जानते रहे, जानते। सुन तो लो वो क्या कह रहे हैं। चलो जाओ अंदर, आ जाते सब समझाने के लिए। देख दुनिया के लिए होंगे तुम रघु भाई, लेकिन मेरे लिए तुम वही पुराने चाली के रघु हो। मेरी बात मानो तो मैंने जो कुछ भी कहा है ना उसे जरा ठंडे दिमाग से सोचना।